दोस्तों, ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं जो लोग एनटीपीसी की जो आपका रिक्रूटमेंट आई थी उसमें जो जो लोग यहाँ पे सेकेंड फेज का डेट का वेट कर रहे थे। तो आरआरबी के द्वारा जहाँ पे जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के द्वारा अभी जो इसका नोटिफिकेशन यहाँ पे जारी की गई है जो कि उसके एग्जाम सेकेंड फेज की एग्जाम के रिलेटेड यहाँ पे जो है मेंशन की गई है। नीचे में आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे जो आपको बोलिए कि सेकेंड फेज ऑफ एग्जाम शेड्यूल फॉर CBT 1, तो जो यहाँ पे जो सेकेंड फेज का जो एग्जाम होने वाली है उसका डेट जो है अभी आरआरबी के द्वारा यहाँ पे नोटिस जारी की गई कि इसका जो डेट यहाँ पे निकाल दी गई है। तो चलिए पूरी डिटेल्स में यहाँ पे बात कर लेते हैं कि कब से कब जो है आपका सेकेंड फेज का एग्जाम होने वाले हैं और कौन कौन से स्टूडेंट के होने वाले हैं। तो आप जो है अपना रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड जो है आप वहाँ पे लॉगिन करके चेक कर सकते हैं। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है इसका लिंक जो प्रोवाइड कर दूंगा। तो आप जो भी कैंडिडेट का अगर आप सेकेंड फेज में एग्जाम होने वाली है तो आप वहाँ से जाकर जो है अपना लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड को वहाँ पे फिल करके आप डायरेक्ट लॉगिन करके चेक कर सकते हैं कि आपका जो है कौन से सिटी में आपको जो है एग्जाम सेंटर पड़ा है। ठीक है, एंड सेकेंड नंबर में आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे जो आपको बोली गई कि फर्स्ट पॉइंट में द सेकेंड फेज ऑफ फर्स्ट स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT 1 विल बी हेल्ड फ्रॉम 16/1/2021 टू 30/1/2021 फॉर अप्रोक्सीमेटली 27 लाख कैंडिडेट। तो यहाँ पे जो आपका सेकेंड फेज की जो एग्ज़ाम होने वाली है CBT 1 के लिए आपका 16 जनवरी 2021 से लेकर यहाँ पे 30/1/2021 के बीच में आपको यहाँ पे सेकेंड फेज का जो आपका CBT 1 होने वाली है इसमें लगभग जो है आपको 27 लाख कैंडिडेट इस परीक्षा में जो आपको शामिल होने वाली है। इसमें जो है 16/1/2021 से लेकर 30/1/2021 के बीच में यहाँ पे जो है 27 लाख कैंडिडेट इसमें शामिल होंगे। ठीक है, एंड सेकेंड पॉइंट में आप देख पा रहे कि यहाँ पे जो बोलेगी कि फॉर द कैंडिडेट शेड्यूल इन द फेज द लिंक फॉर व्यूइंग द एग्जाम सिटी एंड डेट एंड डाउनलोडिंग ऑफ फ्री ट्रेवलिंग अथॉरिटी ऑफ SC/ST कैंडिडेट विल बी मेड अवेलेबल ऑन RRB वेबसाइट ऑन और ऑफ बिफोर 6/1/2021। तो जो भी कैंडिडेट अगर आप SC/ST होंगे, अगर आप फ्री ट्रेवलिंग में अगर आप जो है आरक्षण लेते होंगे तो आप जो है इसका जो RRB की जो ऑफिशियल वेबसाइट दी गई उसमें आप जाकर जो है 16/6/2021 से पहले जो आपका ट्रेवलिंग की जो आपका आरक्षण दी जाती है तो उसको आप डाउनलोड करके जो है आप रख सकती हैं। तो इसका जो आपका सिटी जो आपका कहाँ पे सेंटर दिया है उसमें भी आप चेक करके जो है अपना पता कर सकते हैं। थर्ड नंबर पॉइंट में आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे जो बोलेगी कि डाउनलोडिंग ऑफ कॉल लेटर्स विल बी स्टार्ट 4 डेज पीरियड ऑफ द एग्ज़ाम। तो जिस दिन आपका एग्जाम रहेगा उससे 4 दिन पहले जो है आप इसका एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकती हैं। फोर्थ पॉइंट में यहाँ पे जो बोलेगी कि नेसेसरी इंटीमेशन इज ऑल्सो बिंग सेंड टू दी ऑल दोज कैंडिडेट शेड्यूल इन द सेकेंड फेज ऑफ दियर एग्जाम या फिर ईमेल मोबाइल नंबर्स गिवन इन दियर ऑनलाइन अप्लीकेशंस। तो जो भी कैंडिडेट जिस टाइम अपना फॉर्म को फिलअप किए होंगे, जिस टाइम अपना जो ईमेल आईडी या फिर मोबाइल नंबर जो है आप दिए होंगे, जो कैंडिडेट का अगर सेकेंड फेज में एग्जाम होने वाली है उसमें जो आपका ईमेल आईडी में आप जो है रिफ्रेश करके चेक कर लीजिएगा, उसमें आपको नोटिफिकेशन गया होगा जो लोग का अब यहाँ पे सेकेंड फेज में एग्जाम होने वाली है। ठीक है, तो आप अपना ईमेल को भी चेक कर लीजिएगा, उसमें जो है आपका यहाँ पे RRB के द्वारा जो है आपको मेल गई होगी। ओके, तो सबसे फर्स्ट जो इसका ऑफिशियल जो वेबसाइट है उसमें आपको जाना होगा। उसके बाद नीचे स्क्रॉल कीजिएगा तो आपको जो है लॉगिन आईडी एंड आपको जो है पासवर्ड क्या है उसको आपको फिल करने के लिए आपको यहाँ पे बोला जाएगा। तो चलिए मैं इसका जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है एंड जो यहाँ पे पासवर्ड है आप याद रखिएगा कि जो पासवर्ड है आपका जो डेट ऑफ बर्थ होगा वही जो है आपका RRB का यहाँ पे पासवर्ड है। ठीक है, तो चलिए मैं इसको यहाँ पे पासवर्ड फिल करके मैं आगे यहाँ पे बतलाता हूँ कि कैसे जो है आप इसका जो एग्ज़ाम सेंटर आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो नीचे में स्क्रॉल यहाँ पे देख पा रहे कि जो आपको लॉगिन करने का ऑप्शन होगा इसमें आपको यहाँ पे फिल करके आपको लॉगिन कर लेना है।